अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्य शर्मा और ये है आपका अपना शो इंस्पिरेशनल विंग सीजन 3 ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, दिस इज अ शो टू मेक यू फील अप, एंथुसियास्टिक, पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। और दोस्तों, इस इंस्पिरेशनल राइड पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप एकदम से जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो स्काइप आईडी है हमारा रेडियो उड़ान, RADIO UDAAN। और दोस्तों, अंत में इस इंस्पिरेशनल राइड की लास्ट सेगमेंट में मैं पूछूंगी एक पहेली जिसका उत्तर आप दे सकते हैं, और पिछले एपिसोड की जो पहेली थी उसका आंसर मैं अभी बताना चाहूंगी, जिसका आंसर एक लिसनर ने भी दिया है। तो जल्दी मैं आपको बताती हूँ, और इस पहेली का इस इंस्पिरेशनल राइड में होने का कारण यही है कि हर उत्तर देने के बाद, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद या कोई भी इश्यू का सॉल्यूशन निकालने के बाद हर कोई पॉजिटिव ही फील करता है। तो क्यों ना कुछ पॉजिटिव फील करे इन पहेलियों को सुलझाने के बाद। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड की जो पहेली थी वो ये थी, हु मेक्स इट बट हैज नो नीड ऑफ इट, हु बाइज इट बट हैज नो यूज फॉर इट, हु यूजेज इट बट कैन नीदर सी नॉर फील इट, व्हाट इज इट। जी हां, दोहराना चाहूंगी एक बार फिर से, हु मेक्स इट बट हैज नो नीड ऑफ इट, हु बाइज इट बट हैज नो यूज फॉर इट, Who uses it but can neither see nor feel it? What is it? तो दोस्तों, ये थी पहली पिछले एपिसोड की, और इसका उत्तर था a coffin। जी हाँ, a coffin। और जो लिसनर है जिन्होंने इस पहेली का उत्तर दिया है वो है मिसिस निशा फ्रॉम संगरूर, और उन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, अ कॉफिन। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू मिसिस निशा फ्रॉम संगरूर। तो दोस्तों, अगर आप भी आज की पहेली का उत्तर देना चाहते हैं तो बने रहिए इस इंस्पिरेशनल राइड के साथ, क्योंकि लास्ट सेगमेंट में हम देंगे आज की रिडल जिसका उत्तर मिल सकता है हमें अगले हफ्ते, अगले एपिसोड तक। तो चलिए फिर, अभी के लिए बढ़ाते हैं एक कदम पॉजिटिविटी की तरफ। स्टे ट्यून, स्टे पॉजिटिव एंड हैप्पी लिसनिंग। In this world of negativity and worries, now let us grab some positivity in the show Inspirational Wings Season 3 with RJ Divya Sharma. Every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. only on Radio Udaan, a flight of life. Stay positive, stay happy, stay healthy. तो दोस्तों, ये पहला सेगमेंट है एक कहानी का। जी हाँ, कहानी जो हमें कोई सीख देगी, कोई तजुर्बा सिखा सकती है या फिर कुछ छोटा सा सुझाव दे सकती है हमारी जिंदगी के लिए, और ये कहानी हमेशा की तरह होगी हिंदी में। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं इस छोटी सी कहानी की तरफ एक कदम, हो सकता है जो इसका मॉरल हो वो बहुत वजनदार हो, तो क्यों ना सुने इस कहानी को। चलिए फिर बढ़ाते हैं एक कदम, हैप्पी लिसनिंग, स्टे पॉजिटिव, स्टे ट्यून्ड। एक जंगल में रोज एक डियर भागता था, भागता था, सुबह उठते ही भागने लगता था, पूरे दिन भागता था, और उसकी जिंदगी जो थी इसी पे निर्भर थी कि वो कितना तेज भागता है, क्योंकि उसी जंगल में एक शेर था जो रोज सुबह उठ के भागता था क्योंकि उसे खाने के लिए चाहिए था डियर, और अगर उसे खाने के लिए डियर नहीं मिलेगा तो आप सभी जानते कि वह मर जाएगा, है ना दोस्तों। तो रोज का यही काम था, रोज सुबह उठ के जो डियर है वो भागता भागता रहता, एक जगह टिकता ही नहीं, दौड़ना और दौड़ना, और रोज कोशिश करने की वह और तेज भागे और तेज भागे, तेजी से भागे, बिना रुके भागता रहे। और उसी प्रकार दूसरी तरफ जो शेर था वो भी रोज सुबह उठ के यही प्रयास करता कि वो ज्यादा से ज्यादा फुर्ती ला सके, ज्यादा से ज्यादा तेज भाग सके, ताकि वो अपने खाने को यानी कि डियर को जल्दी से जल्दी ढूंढ के अपनी भूख मिटा सके। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमारी जिंदगी में भी, चाहे हम डियर हो, चाहे हम शेर हो, चाहे हम कुछ भी हो, हमें रोज उठ के सुबह भागना है, क्योंकि इस कॉम्पिटिटिव जिंदगी में अगर हम भागेंगे नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे, और अगर पीछे रह जाएंगे तो हमारी जिंदगी में सर्वाइव करना बहुत कठिन हो जाएगा और शायद नामुमकिन हो जाए। तो क्यों ना रोज सुबह उठ के भागें। मैं ये नहीं कह रही कि आप सड़क पे भागने लगे, हो सकता है आप एक म्यूजिशियन है, हो सकता है आप एक क्रिकेटर है, हो सकता है आप एक एथलीट है, हो सकता है आप एक रेडियो जॉकी है, हो सकता है आप एक वकील है, या फिर कोई भी काम कर सकते हैं आप,
पर उसमें आपको रोज सुबह उठ के भागना जरूरी है। अगर आप नहीं भागेंगे तो जिंदगी भाग जाएगी और आप कहीं पीछे छूट जाएंगे और जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी का जिस प्रकार डियर रोज सुबह उठ के भागता है ताकि वो अपनी जिंदगी बचा सके शेर से, और शेर हर रोज सुबह उठ के भागता है ताकि वो अपनी जिंदगी बचा सके अपने पेट पूजा करके यानी कि डियर को खाके, और डियर की खोज में वो रोज सुबह भागता है, उसी प्रकार हमें भी अपनी जिंदगी को और आगे बढ़ाने के और बेहतरीन बनाने के लिए रोज सुबह उठ के भागना ही होगा। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिए, रोज सुबह हमें भागना है। हो सकता है हमारी दिशाएं अलग हो सकता है हमारे रास्ते अलग हो, पर भागना हम सभी को है। हो सकता है आप डियर हो, मैं शेर हूँ, या मैं डियर हूँ, आप शेर हो, पर भागना हम दोनों को ही है। तो दोस्तों, इस कहानी का जो मॉरल है वो यही है कि भागो, रन फॉर योर लाइफ, जिंदगी में भागो, क्योंकि जिंदगी भाग गई तो आप कहीं पीछे रह जाएंगे और इस कॉम्पिटिटिव जिंदगी में तो भागना जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरी तो दिल को छू गई एकदम से, और मैंने तभी निर्णय ले लिया कि इस कहानी को इस सेगमेंट का हिस्सा बनाना जरूरी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान है, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि हम भागते रहेंगे और अपनी जिंदगी में सफलताओं को चूमते रहेंगे, गले लगाते रहेंगे, बढ़ाते हैं एक कदम पॉजिटिविटी की तरफ, एक कदम अगले सेगमेंट की तरफ। अ सीरीज ऑफ सेगमेंट्स आर वेटिंग फॉर अस, स्टे ट्यून्ड, यू आर लिसनिंग टू इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 3 विद आरजे दिव्या शर्मा। तो एक छोटी सी ब्रेक के उस पर मिलते हैं ना दोस्तों। हैप्पी लिसनिंग, स्टे पॉजिटिव एंड डोंट फॉरगेट दिस मॉरल। रख हिम्मत, बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के है निशान। तू ना जाने आस पास है खुदा, तू ना जाने आस पास है खुदा, जहाँ को भी रंग दे कि चलता हूँ मैं तेरे संग में। हो शाम भी तो क्या, जब होगा अंधेरा तब पाएगा दर मेरा, उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह। तू ना जाने आस पास है खुदा।
बिचता नहीं है, मान ले जो हर मुश्किल को मर्जी। तो दोस्तों, इन दिस सेकंड सेगमेंट वी आर गोइंग टू लिसन टू एन इंस्पायरिंग ऑडियो क्लिप। जी हाँ, एक ऐसी ऑडियो क्लिप जो हमें इंस्पायर करेगी, इनकरेज करेगी, डिटर्मिनेशन देगी या लाइट भी फील करवा सकती है। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं एक कदम इस इंस्पिरेशनल ऑडियो की तरफ। तो दोस्तों, बताना चाहूंगी कि जो आज की ऑडियो क्लिप है वो हिंदी में होने वाली है और ये है रिलेटेड टू सलमान खान। जी हाँ, हम सभी जानते हैं सलमान खान कौन है। तो दोस्तों, अगर आप सलमान खान को पसंद करते हैं तो दिस इज अ चेरी ऑन केक फॉर यू। पर अगर आप नहीं पसंद करते सलमान खान को तो क्या जाता है अगर हम किसी के सक्सेस टिप्स को सुन लें और उससे कुछ सीख लें। तो दोस्तों, दिस ऑडियो क्लिप इज ऑल अबाउट 7 सक्सेस टिप्स बाय सलमान खान। तो चलिए फिर देरी न करते हुए बढ़ाते हैं राइट को आगे इस ऑडियो क्लिप की तरफ। हैप्पी लिसनिंग, स्टे पॉजिटिव, स्टे ट्यून्ड, आई एम गोइंग टू प्ले इट राइट अवे। I have never tried to copy anybody or ape anybody or never looked up and at anybody or idolized anybody apart from my father, because as a person that we he was the only man in the house and we grew up watching him. But does it scare you that people we appreciate so even here as an actor, we do appreciate a lot of people. दस या पंद्रह साल बाद सारे एक्टर्स या हम जैसे खूबसूरत लोग अपनी खूबसूरती खो देंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो शायद ओब्लिवियन में चले जाएं। 15-20 साल बाद ऐसा होगा। वेयर डू यू सी योरसेल्फ? डू यू सी योरसेल्फ कि आप फाइनेंशियल टर्न हो जाएंगे या आप कैरेक्टर रोल्स करने लगेंगे या आप बाकायदा पनवेल में जाके सेट हो जाएंगे? अब गलत शख्स से ये प्रश्न पूछ रही है। मैं इन तीनों चीजों से नहीं घबराता। नहीं घबराता? जितना ऊपर वाले ने दिया, जब तक के आप जब पैदा हुआ था तो मुझे पता नहीं था कि मैं पैदा हो रहा हूँ। जब मरूंगा तो मुझे पता नहीं कि मैं मरूंगा। सो आई डोंट इवन बिलीव इन ऑल दीज साइंसेज के एस्ट्रोलॉजी दिस दैट ये वो। अगर पता चल रहा है कि भैया कि आप कल मरने वाले हैं तो आपका आज का दिन भी खराब हो गया ना कि कल जाऊंगा तो क्या प्लानिंग करूंगा। इट्स द लॉ ऑफ नेचर। यू गोइंग जो जिया है वो मरेगा तो सही। तो अब वो प्रॉब्लम तो एवरीवन नोज दैट, बट कैसे जाएगा, कब जाएगा, दैट इज द पॉजिटिव। द थिंग इज दैट पीपल गो स्पेंड मनी ऑन द फिल्म, दे वॉन्ट टू गो एंड सी अ फिल्म, जाके देखेंगे पिक्चर। इवेंचुअली एवरीबडी इज गोट टू मेक मनी, यू गो टू एंटरटेन पीपल। तो यू इट हैज टू बी द बेस्ट काइंड ऑफ फिल्म, बट द पब्लिक इज वेरी स्मार्ट इन दिस। वो प्रोमो देखते ही डिसाइड कर लेती कि भैया इसके अंदर कुछ नहीं है दम, ये पिक्चर मत जाके देखो, एंड दोस फिल्म्स डोंट डू वेल।
So now from there one has learned ke aisi picture jo khud ke upar ek doubt hai ke yaar ye nahi karna chahiye, compromise karke kar liya, mat karo kyunki they already know it, the fans, the public, the audience, the janta already knows it ke yaar ye mamla thoda sa damadol lagta hai humko, itne paise is pe nahi kharch kare, isko apan baad mein DVD pe dekhenge ya pirated DVD pe dekhenge. I don't. I wanted to be a director. I didn't want to be an actor. I didn't want to be an actor. So I've started off being a director. I went to people. I didn't get work. Then I started getting offers. So it's very strange that you didn't get work. Yeah, I didn't get work for the longest time, for about a year. Then people started saying, you know, you should become an actor. Actor. So I tried for acting. I didn't get work. तो वो कोई बोलता था छह महीने पहले आ जाओ, आगे होते कोई बोलता छह महीने बाद आओ, यू टू यंग फॉर दिस रोल, ओ दिस रोल आई वांट समथिंग लाइक दिस. तो ऐसे करते 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 फिर एक मुझे बीवी होते ऐसे मिल गई और उसके थ्रू मुझे मैंने प्यार किया. सो आई हैव बीन लकी. Yes. And believe me, so-called friends of mine who were there in the industry, I requested them to do a guest appearance song in my film so that the film would sell, because it was a very low-budget, gimmicky kind of film and we were all in trouble. And the last person who I actually thought would actually stand up and prove completely and thoroughly that he is a friend was Salman. And I just had to make one call to him. And believe you me, for whatever, whoever might want to say, this man reached on my steps 9 dot on time. Wow. He shot with me till 3 a.m., completed the whole song in 1.5 day non-stop shoot. And it's not gratitude, but it is just to say that this person has a golden heart. And believe you me, if he says he'll stand by someone, I know he will till blood flows from his veins. I know that for sure. And SK, I love you for that. Thank you so much. Thank you, Ravina. I've never cared so much as being remembered as an actor. I want, see, one man's floor is the other man's ceiling. I must have been nice to one person. I must have been lousy. I must have been horrible, you know, to another person. So, obviously, I've done wrong to a particular person, I've done right to a particular person I'm talking about. So once this whole thing is gone, once you're dead and gone, I want that person to tell his father, I want that person to tell his son, okay, beta, whatever you want, you be, but do not be like Salman. And the other side, I want him to say, whatever you do, beta, be exactly like this Salman. So let it go on like that. Maybe in the next few generations, जो नेगेटिव है वो कम हो जाएगा, पॉजिटिव है वो बढ़ जाएगा. कहा था माय मोटो इन लाइफ इज गो स्ट्रेट एंड टर्न राइट. इसका क्या मतलब है? मींस गो स्ट्रेट मींस सीधी राह पे चलो. हाँ. और स्ट्रेट एंड गो राइट दैट मींस डोंट टेक द रॉन्ग टर्न, टेक द राइट टर्न. दोस्तों थी ना ये एक इंटरेस्टिंग सी बॉलीवुड तड़के के साथ इंस्पायर करने वाली ऑडियो क्लिप. जी हाँ, सलमान खान ने शेयर किए कुछ 7 टिप्स, सक्सेस टिप्स जो हेल्प कर सकते हैं हमें भी हमारी भी लाइफ में, और सक्सेस ला सकते हैं और पॉजिटिविटी ला सकते हैं. तो दोस्तों अगर आप इंसान को पसंद नहीं भी करते तो उनकी सीख से कुछ न कुछ तो जरूर ही सीख सकते हैं. और अगर आप मेरे जैसे हैं और सलमान खान को पसंद करते हैं तो बिल्कुल ही आपने ये ऑडियो क्लिप पसंद की होगी. तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये ऑडियो क्लिप और कैसे लगे ये टिप्स, जरूर शेयर कीजिएगा अपने व्यूज और मुझे भेजिएगा, और मैं कोशिश करूंगी कि ऐसी ऑडियो क्लिप्स और लाती रहूं आपके लिए. और अगर आपके पास भी कोई ऑडियो क्लिप जो इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है, जरूर शेयर कीजिएगा. एंड आई विल मेक श्योर टू मेक इट अ पार्ट ऑफ दिस इंस्पिरेशनल राइट. तो अभी के लिए क्यों ना कदम बढ़ाया जाए अगले सेगमेंट की तरफ. तो दोस्तों सीरीज ऑफ सेगमेंट्स आर वेटिंग फॉर अस. जल्दी से आती हूँ छोटी सी ब्रेक के बाद और मिलती हूँ आपको अगले सेगमेंट में. स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव, हैप्पी लिसनिंग.
रेडियो उड़ान पर मैं आरजे निशा लेकर आ रही हूँ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। क्या आप रूबरू होना चाहते हैं फिल्म जगत की लेटेस्ट खबरों से? जानना चाहते हैं किसका हो रहा है ब्रेकअप या फिर किसने किसको किया है टेकअप? कौन सी मूवी है इस हफ्ते की ब्लॉकबस्टर या किसकी जेब को लग रहा है चूना? इन सभी खबरों के लिए बी विद मी एवरी सैटरडे 7 to 8 PM एंड री वेबकास्ट एवरी संडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Nowadays, most of the social issues are turning anti-social. Because there is no clarity of news on a particular subject. Thousands of channels, thousands of reports. Whom to trust? Me, Balanagendran, who is going to do postmortem and will provide you an impartial analysis of an issue only on Radio Udaan on every Thursday to 9 p.m., which will be rewebcast on every Friday 3 to 4 p.m. Postmortem Enlightenment begins here. हर वीकेंड आप सबका कोई ना कोई नया प्लान तो होता ही होगा ना? कभी फिल्म तो कभी यूं ही सिटी के सेंट्रल पार्क के बाहर सेल्फीज खींचना, या फिर कुछ भी मन ना करे तो घर बैठे बैठे अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर लो। आपको पता है हम जैसे कई लोगों के लिए तो आपका ये वाला प्लान भी पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अब डेफिनेटली होगा। मेरा नाम मधु है, मैं देख नहीं सकती, आई एम विजुअली इम्पेयर्ड, बट यू नो वॉट, नाउ गुड फूड टॉक्स। अगर आप नहीं समझे तो हम बताते हैं, गुड फूड टॉक्स है इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप, खास दृष्टिहीन, कम दृष्टि, बुजुर्ग, डिसलेक्सिक और ऑटिस्टिक दोस्तों के लिए। अब आप अपने मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। असक्षम एंड रेडियो मिर्ची इनिशिएटिव, लोकेशन पार्टनर बारबेक्यू नेशन। You are listening to Radio Udaan, a flight of life. www.radioudaan.com. तो दोस्तों ये है जो सेगमेंट, वो है थॉट्स, क्यूट्स, वर्ड्स, लाइंस एंड सेइंग्स का। जी अक्सर हम इतने मशरूफ रहते हैं, इतना टाइम ही नहीं होता हमारे पास कि हम ध्यान दे सके अपने ख्यालातों पे, अपने थॉट्स पे। तो क्यों ना इस सेगमेंट में कुछ बेहतरीन से थॉट्स को अपना बनाया जाए। जी हाँ, क्योंकि अक्सर हम वही करते हैं जो हमारे थॉट्स होते हैं और हम वही बनते हैं जो हमारे थॉट्स होते हैं। तो क्यों ना थॉट्स पे थोड़ा काम किया जाए, क्यों ना इन सेइंग्स थॉट्स को कुछ मेंट किया जाए, पॉजिटिविटी की तरफ कोई झुकाया जाए और कुछ नेगेटिविटी से दूर रखा जाए। तो चलिए दोस्तों इसी मोटिव के साथ बढ़ाते हैं एक कदम इन थॉट्स की तरफ। जी हाँ, ये थॉट्स हो सकते हैं जो हमें पॉजिटिविटी दे सकते हैं, हमें लाइट फील करवा सकते हैं या कुछ सुझाव दे सकते हैं हमारी जिंदगी को और बेहतरीन बनाने के लिए। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं कदम इन थॉट्स, क्यूट्स, लाइन सिंग्स की तरफ। हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स होंगे ये, सो स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग। The first thought of this beautiful evening is, आसमान में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए तो जमीन जरूरी है। आसमान में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए तो जमीन जरूरी है। सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मजा, सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मजा, जीने के लिए तो एक कमी भी जरूरी है, जीने के लिए तो एक कमी भी जरूरी है। तो दोस्तों सेकंड थॉट ऑफ दिस ब्यूटीफुल इवनिंग इज, इंस्टेड ऑफ गिविंग माई सेल्फ रीजंस व्हाई आई कांट, आई टेल माई सेल्फ व्हाई आई कैन। यस फ्रेंड्स, व्हाई टू टेल योर सेल्फ दैट यू कैन नॉट डू दिस और दैट, और व्हाई टू गिव योर सेल्फ रीजंस
of saying, I cannot do this, I cannot do that. Let's talk about the reasons that we can do this, we can do that. So instead of giving myself reasons why I can't, I tell myself why I can. तो तीसरा जो थॉट है इस खूबसूरत सी शाम का वो इस प्रकार है दोस्तों, किसी भी विषय को समझने के लिए, किसी भी विषय को समझने के लिए मानसिक स्तर से पहले रुचि का होना जरूरी है। जी हाँ, कितना खूब कहा है कि किसी भी विषय को समझने के लिए मानसिक स्तर से पहले रुचि का होना जरूरी है। अगर रुचि ही नहीं होगी तो आप कैसे कुछ सीखने का प्रयास कर सकते हैं, है ना दोस्तों? तो चलिए फिर, रुचि रखिए और स्तर तो बाद की बात है। द फोर्थ थॉट ऑफ दिस इवनिंग इज नो एक्ट ऑफ काइंडनेस नो मैटर हाउ स्मॉल इट मे बी इज वेस्टेड। यस फ्रेंड्स, इट्स ट्रू, नो मैटर हाउ स्मॉल और बिग एन एक्ट ऑफ काइंडनेस इज, नो मैटर हाउ स्मॉल इट विल ब्रिंग अ डिफरेंस। Yes friends, it won't go waste. So always be prepared to do kindness to others, because you never know which act of kindness by you may bring light in somebody else's life. तो दोस्तों, अगला thought इस शाम का इस प्रकार है, कुछ श्रेय तो अपनी नाकामयाबों को भी दिया जाना चाहिए, कुछ श्रेय तो अपनी नाकामयाबों को भी देना चाहिए, आखिर वही तो प्रेरणा है आगे बढ़ने की। जी हाँ दोस्तों, कुछ श्रेय तो अपनी नाकामयाबों को भी देना चाहिए, आखिर वही प्रेरणा है आगे बढ़ने की। जी हाँ, क्या खूब कहा है कि हम अक्सर अपनी जो कामयाबियां हैं उनकी बात करते हैं, क्यों ना कुछ श्रेय अपनी नाकामयाबियों को भी दिया जाए, ताकि हम जान सके कि यही नाकामयाबियां हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा, कुछ श्रेय तो अपनी नाकामयाबियों को भी देना चाहिए, क्योंकि यही प्रेरणा है आगे बढ़ने की। तो दोस्तों, नेक्स्ट थॉट फॉर दिस इवनिंग इज द बेस्ट वे टू अप्रिशिएट एनीवन इज टू इमेजिन योर लाइफ विदाउट देम। यस फ्रेंड्स, क्वाइट ऑफन वी टॉक अबाउट पीपल एंड वी से ओहो they are this, they are that, and we never appreciate their deeds, their presence. Let's appreciate them by assuming that they are gone, or assuming our life without them, because as it is said, we only value a thing when it's gone or hasn't arrived. So always remember, the best way to appreciate anyone is to imagine your life without them. तो अगला thought इस खूबसूरत से segment का ये रहा दोस्तों, बुरे से बुरे दिन में भी एक अच्छी बात होती है। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर भूल जाते हैं, पर चाहे जितना भी बुरा दिन क्यों ना हो दोस्तों, कुछ ना कुछ अच्छाई तो छुपी ही होगी उस दिन में भी। तो याद रखिए दोस्तों, बुरे से बुरे दिन में भी एक अच्छी बात होती है। तो नेक्स्ट थॉट फॉर दिस सेगमेंट इज रिमाइंड योर सेल्फ दैट यू डोंट हैव टू डू व्हाट एवरीवन एल्स इज डूइंग। यस फ्रेंड्स, often we pressurize ourselves, we burden ourselves that we have to do this, we have to do that, what everyone is doing we have to do. But remember, you have to remind yourself that you don't have to do what everyone else is doing. Right friends, so do whatever you feel like doing, don't stress yourself, don't be burdened that you have to do what everyone else is doing, just do what you want to do. तो नाइन्थ थॉट है इस खूबसूरत सी शाम का वो ये रहा दोस्तों, इतनी भी हसरतें क्या बनाना अपने ही बोझ तले दब जाओ तुम। जी हाँ दोस्तों, क्यों इतनी हसरतें बनाएं कि अपने ही बोझ तले दब जाएं हम? तो याद रखिए, इतनी भी हसरतें क्या बनाना अपने ही बोझ तले दब जाओ तुम। Next thought for this evening and probably the last thought of this beautiful segment of this pleasant evening is a mother's love is whole no matter how many times divided. Yes friends, this is a beautiful thought I would like to dedicate to Mother's Day, which we celebrated last Sunday, the 8th May 2016. So this thought is
very beautiful and deep. A mother's love is whole, no matter how many times divided. Yes, friends, it's true. No matter how many children a mother has, her love will never be less for any of those. So, it's rightly said, a mother's love is whole, no matter how many times divided. तो दोस्तों ये थे कुछ खूबसूरत बेहतरीन और सीख देने वाले थॉट्स की और लाइन सीइंग्स एंड वर्ड्स इस सेगमेंट की. अगर आपके पास भी हैं कुछ थॉट्स जरूर शेयर कीजिए. आप मुझे लिख के भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि आपके थॉट्स की और लाइन सीइंग्स को इस सेगमेंट का हिस्सा जरूर बना सकूं. तो दोस्तों व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट योर थॉट्स बी अ पार्ट ऑफ दिस सेगमेंट एंड यू नेवर नो व्हिच थॉट ऑफ योर्स मे ब्रिंग पॉजिटिविटी इन अ लिसनर्स लाइफ. तो चलिए इसी उम्मीद के साथ एक कदम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाते हैं एक कदम अगले सेगमेंट की तरफ. पर मिलूंगी मैं आपको एक छोटी सी ब्रेक के उस पार. हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव. तुझसे चुरा लूं, तुझे खुद में छुपा लूं साहिबा. एक मुझ पे करम हो, तू ही मेरा सनम हो, तेरी मुझ पे नजर हो साहिबा. मेरा मन
तो दोस्तों इन दिस सेगमेंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम टिप्स। जी हाँ, कुछ ऐसे टिप्स जो हमें हेल्प कर सकते हैं, और आज के जो टिप्स हैं वो रिलेटेड हैं कुछ ऐसे पहलुओं से जो शायद हमारी जिंदगी में कभी ना कभार आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा तो हुआ ही होगा कि आपका कोई बहुत ही अच्छा मित्र, कोई जानने वाला दूसरी कंट्री, दूसरी स्टेट, दूसरी सिटी या दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहा है, या फिर उसकी जॉब कहीं और लग रही है, या फिर उसकी शादी हो रही है और वो जा रहा है या जा रही है, और आप बिल्कुल टेंस हैं कि अरे वो चला जाएगा, तो आप दुखी हैं और आप कैसे फील करें। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड कुछ टिप्स है मेरे पास, तो चलिए फिर बढ़ाते हैं एक कदम इन इंग्लिश टिप्स की तरफ। दिस टिप्स विल ऑल बी रिलेटेड टू हाउ टू कोप विद द सिचुएशन व्हेन योर फ्रेंड्स आर गोइंग टू डिफरेंट सिटीज, स्टेट्स, कंट्रीज और सम अदर प्लेस बिकॉज ऑफ जॉब्स, मैरिज और सम सिमिलर इश्यूज। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर फर्स्ट टिप ऑफ दिस सेगमेंट। बिफोर दे लीव, मेक श्योर टू टेल देम everything you want to tell them because it is always better in person. Yes friends, maybe later on you will text them, you will call them, but it's always good to tell them face to face before they leave. You have to make sure to tell them everything you want to tell them because it is always better in person. Second tip of this segment is, if you really want to be remembered, try to get them a gift they can always keep with them. If it works out, they won't forget you and you won't forget them. It's a good idea, isn't it? So just buy a beautiful gift and hand it over to your friend or a person or a dear one who is living to another city, state or country. This gift will keep your bond attached and maybe you will remain a part of their life. The third tip for this segment is, have the best last few moments with them before they leave. Do not freak out when I say last moments. If you love them so much, you should try to meet. Have the time of your life because you might stay in contact, but you will probably not actually see them for a while. So it's always a better choice to meet them before they are leaving, because later on maybe you will get that chance quite after a time, maybe months, years. So it's always good, right? Fourth tip is, have a meeting date. Yes friends, when I'm saying, I mean it. Meet sometime in the future at a place you will both remember, or write down the address. Say the date, time, place, address and any other important information. The next tip for this segment is, make sure to get some photos. If you want to remember them, a photo or snapshot is always a good keepsake, isn't it? So just capture some pics and be remembered. The next tip for this beautiful segment is, stay in contact. Try email, phones, letters, get their address and anything else you can do. It's always helpful to be in contact. So don't cut off, just stay in contact. The seventh tip for this segment is, make one of your last impressions good. They would want to remember a good friend, a great friend who was always there. So make sure your last impression is a good one, because everyone wants to remember a good moment, right friends? So these were seven helpful tips to cope up with the situation when your friend is leaving to another city or moving to another state or place and you are departing. So friends, it's always helpful to pick these tips and make your life more easy, smooth and light. So these were seven tips. I hope you find these good. And if you do have some tips related to this topic or another topic, please share. I will make sure to make it a part of this inspirational ride and this segment. So let us move further to next segment. But before that, I have to take a short break. You are listening Inspirational Wings with RJ Divya Sharma. Stay positive, stay happy, stay strong.
नमस्कार, सिल्वर लाइनिंग से प्रीति मोंगा बोल रही हूँ। हम लोग डिसेबल्ड लोगों को जॉब्स दिलाने का काम करते हैं। जो लोग जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं, वो हमें अपना सीवी या बायोडेटा इस ईमेल आईडी में भेज दें, preeti.monga@gmail.com। जल्द से जल्द आप अपना डिटेल्स हमें भेजें। और हमारा फोन नंबर है 0987170166। धन्यवाद। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वजा। भक्तजनों, इस मोह माया से भरे संसार में ना जाने कितनी ही दिक्कतें एवं परेशानियों ने सबको फुलटू फंसा रखा है और दुनियादारी में टोटली उलझा रखा है। परंतु चिंता का कोई विषय नहीं है प्रिय भक्तों, क्योंकि इन दिक्कतों से कुछड़ा होता। देवी डिंपल लेकर आ रही हैं इन सारी समस्याओं का समाधान। तो अब से एवरी फ्राइडे 8 to 9 PM सोशल कीड़े सर चढ़ के बोलेंगे इन ऑल इज वेल विद आरजे डिंपल 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 ऑन योर फेवरेट रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मुद्दे जो बात करे हमारे समाज के हित की, जिसकी बहुत लिमिटेड मोबिलिटी है, उसको कोई अब्यूज करे वो भाग के या दौड़ के खुद के बचाव में जाएगा भी। सो इस तरह से कई वजह हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स की बातें जो छुए हमारे दिल को। ये निश्चित है कि मानसिक स्तर पर दृष्टिबाधित लोग बहुत सशक्त होते हैं और इतनी सरलता से हार नहीं मानते। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में रखूंगा एक नजर अपने समाज की तमाम गतिविधियों पर, तो सुनना मत भूलें बदलता दौर मेरे साथ हर रविवार 9 से 10 और पुनः प्रसारण सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं लास्ट सेगमेंट में इस इंस्पिरेशनल राइड की। तो कैसी लगी आपको आज की इंस्पिरेशनल राइड, जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा अपने व्यूज। व्यूज शेयर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radiouran.com, साथ ही स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान RADIO UDAAN, फेसबुक पे पेज फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, URL है www.facebook.com/radiouran। और अगर कोई एपिसोड स्किप कर दिया है आपने तो घबराइए मत, मैं अपने एपिसोड्स अक्सर यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान का जो है उस पे चढ़ाती रहती हूँ, तो आप वहाँ पे सुन सकते हैं इंस्पिरेशनल विंग सीजन 3 के एपिसोड्स। और साथ ही दोस्तों, आप हमें फॉर्म भर के मांग सकते हैं हमसे कोई भी एपिसोड किसी भी शो का रेडियो उड़ान के। तो दोस्तों याद रखिए, आपके व्यूज आपके सजेशंस इन शोज को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए फिर, इससे पहले कि मैं लूं इजाजत आपसे, आपको बताना चाहूंगी कि जो पिछली एपिसोड की जो रिडल थी उसका आंसर मैंने बताया पहले सेगमेंट में, यानी कि उसका आंसर था कॉफिन, और जो आंसर दिया मिसेस निशा ने संगरूर से। तो दोस्तों, अगर आप भी विनर बनना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं एक पॉजिटिव मोमेंट, तो जरूर दीजिएगा आज की रिडल का आंसर। तो पहेली का आंसर आप दे सकते हैं अगले एपिसोड से पहले, और आज की पहेली ये थी दोस्तों, इमेजिन यू आर इन अ डार्क रूम, हाउ डू यू गेट आउट। फिर से दोहराना चाहूंगी, कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरे रूम में हैं, तो आप कैसे निकलेंगे रूम से बाहर। सोचिए सोचिए, इस रिडल का आंसर आप नेक्स्ट वीक नेक्स्ट एपिसोड से पहले दे सकते हैं, और मैं विनर्स का नाम, यानी कि जो पॉजिटिविटी का एक मोमेंट जीतेंगे उनका जो नाम है अगले एपिसोड में जरूर लूंगी। तो इंतजार रहेगा मुझे आपके आंसर्स का। हरी अब दोस्तों, इमेजिन यू आर इन अ डार्क रूम, हाउ डू यू गेट आउट।
तो याद रखिए, ये है रिडल, और हर क्वेश्चन, हर रिडल, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के बाद हर कोई पॉजिटिव फील करता है, अप फील करता है। और इसी मोटिव के साथ एक रिडल हर हफ्ते हर एपिसोड के अंत में मैं पूछती हूँ अपने लिसनर से, ताकि एक पॉजिटिविटी का एहसास ऐड हो जाए उनकी लाइफ में। तो दोस्तों अभी के लिए लेती हूँ मैं इजाजत, सुनिएगा जरूर इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 3 नेक्स्ट ट्यूजडे 9 to 10 एंड रिपीट एवरी वेनेसडे 4 to 5 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अभी बने रहिए रेडियो उड़ान के साथ, बिकॉज कमिंग अप नेक्स्ट इज आरजे आनंद विद द शो यादों का झरोका। तो चलिए फिर लेती हूँ मैं इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल स्टूडियो पंजाब इंडिया, आरजे दिव्या शर्मा लॉगिंग ऑफ। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड टू रेडियो उड़ान। जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी। माँ ओ माँ, जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी। एक छोटी सी भूख से तेरी सभी दर्द मेरे होते थे गुम। अपनी हर एक मैं उलझन का हल पा लेता था, तेरे हाथों की रोटी अक्सर ही भूख से ज्यादा खा लेता था। तेरी बातों में अपनी हर एक मैं उलझन का हल पा लेता था। वो तेरे हाथों की रोटी अक्सर ही भूख से ज्यादा खा लेता था। तेरे आंचल के बेफिक्रा मैं सो जाता था, मेरे दिल में क्या
है तेरे बिना माँ, कोई समझा ही ना पाता था। Of music. And more, so keep listening. Radio Udaan. शर्मा लेके आ रही हूँ इंस्पिरेशनल विंग सीजन 3। जी हाँ दोस्तों, एक शो जो आपको लेके जाएगा पॉजिटिविटी की तरफ, अ शो टू मेक यू फील अप एंथुसियास्टिक एंड पॉजिटिव। तो अगर आप भी चाहते हैं पॉजिटिविटी का तड़का अपनी जिंदगी में, तो जरूर सुनिएगा इंस्पिरेशनल विंग सीजन 3 every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. only on Radio Udaan, a flight of life. Stay happy, stay positive, stay healthy. Voice for Blind Club में आप सभी का स्वागत है। क्लब का उद्देश्य है शिक्षा के माध्यम से आपको आत्मनिर्भर बनाना, रिकॉर्डिंग एंड स्क्राइब की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। भारत के कई शहरों में वॉइस फॉर ब्लाइंड क्लब के सदस्य अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। क्लब से कांटेक्ट करने के लिए मेल आईडी है voicefor blind@gmail.com, मोबाइल नंबर 9410480858। मैं अनीता शर्मा एंड मेरे क्लब मेंबर रिकॉर्डिंग एंड स्क्राइब की आवश्यकता को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स। ओ शट अप यार। अच्छा किरण, एक बात बताओ, अगर कंगारू का बेबी गायब हो जाएगा तो वो क्या कहेगा? कंगारू का बेबी गायब हो जाएगा? आई डोंट नो, तू बता क्या कहेगा? आइला, किसी ने मेरा पॉकेट मार लिया। ओ शट अप यार। टू नो मोर लॉग ऑन टू www.radioudaan.com। कीप लिसनिंग एंड कीप लाफिंग विद रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए,
अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए। लॉग ऑन कीजिए www.radioudaan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर जिसका नाम है रेडियो उड़ान। Thank you.